अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्किन वाइटनिंग ब्लीच फार्मूला, जिसके इस्तेमाल से आपके हाथ और पांव बहुत ही अमेजिंग हो जाएंगे और इसको आप अपने फेस पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे एज यूजुअल जिस तरह ब्लीच में इस्तेमाल होते हैं वही होंगे, लेकिन इसमें मैं एक ख़ास चीज़ ऐड करूँगी जिससे ब्लीच का जो वो रिजल्ट है वो दोगुना हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे। इसमें मेरे पास इस वक्त जो ब्लीच अवेलेबल है, आप कोई से भी ले सकते हैं जो भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। मेरे पास है लाइट एंड लवली क्रीम ब्लीच, ये देखें। मैं ये ट्राई करूँगी। इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने से इस तरह की देखें ये निकली है अंदर से, और ये मैं इसको फुल यूज़ करूँगी। ये कंप्लीट मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब इसमें इसका जो पाउडर है वो सारा नहीं मैं डालूँगी, मैं बहुत कम डालती हूँ। जब हाथों और पाँव पे करना हो तो थोड़ा सा, अगर आपको सूट करता है ये पाउडर इस ब्लीच का तो आप डाल सकते हैं ज़्यादा, अदरवाइज़ आप थोड़ा ही डालें। और फेस पे डालने के लिए तो बहुत ही कम डालना चाहिए। ये मैं डालूंगी थोड़ा सा, इतना थोड़ा भी नहीं, कह लें कि एक टीस्पून मैंने इसमें डाल ली है। और इसमें एक और मिला है, ये आई डोंट नो, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये। वैसे ये ब्लीच पीएच कंट्रोलर प्लस ओएक्सवाई सीरम, और ये पोस्ट ब्लीचिंग एप्लीकेशन। ओके, ये इसमें नहीं ऐड करनी, हम बस वही करेंगे, ठीक है। और इसमें जो मैं दूसरा इंग्रेडिएंट डालने जा रही हूँ ब्लीच के अलावा, वो होगा एक चम्मच आटा। ये देखें, एक चम्मच इसमें आटा ऐड कर लिया। और इसको अब मिक्स करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे कि जिससे ये हमारी जो ब्लीच है वो क्रीम फॉर्म में आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने आटा डाला हुआ है, आटा आप कोई सा भी डाल सकते हैं जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, जो भी आप अपने घर में करते हैं इस्तेमाल वो इसमें डाल लें, ये बहुत ही अच्छी क्रीम बन जाएगी। और इसके इस्तेमाल करने से इस ब्लीच का रिजल्ट दो गुना ज़्यादा हो जाएगा और आपके हाथ और पाँव बहुत ही ब्राइट हो जाएंगे। इसको आप फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मैंने पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अगर फेस पे जब लगाना हो तो इसमें थोड़ा सा पाउडर डाल दें। ये देखिए, ये मिक्सचर बहुत आसानी से बन गया है। और इसको हम फौरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी वो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और 15 मिनट के बाद आप इसको अपने हाथों और पाँव पर अप्लाई कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट हाथों और पाँव पे रखें। अगर फेस पे अप्लाई करनी हो तो इसको 5 मिनट रखना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना रखें। हाथों और पाँव पे 15 मिनट रखें और इसके बाद आप पानी से वॉश कर लें और इसका रिज़ल्ट देखें, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, और मुझे आपने लास्ट में बताना है कमेंट सेक्शन में। और जो भी मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं आपको, उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।